नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के लोगों को जल्द ही मिलेगा जाम से निजात। बिहार में गरीब मरीजों को मिलेगा रोजगार का अवसर। क्रिसमस और नए साल पर बिहार में होगी सुरक्षा दुरुस्त। धान खरीद में सरकारी खरीद की गति भी तेज हुई। जरूरत के समय गृह दर्शन ऐप बनेगा सहारा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जरूरत के समय गृह दर्शन ऐप बनेगा सहारा। बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ ही लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने गृह दर्शन ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन में राज्यों के सभी थानों, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, होमगार्ड भवन और पदाधिकारी के अलावा फायर ब्रिगेड का पूरा डेटा उपलब्ध रहेगा। विभाग की तरफ से सभी जिलों को इस एप्लीकेशन के लिए जानकारी एक महीने में अपलोड करने का निर्देश दे दिया गया है, जिससे फरवरी में इसे लॉन्च किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना विभाग की मदद से इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। राज्य सरकार से करार के बाद नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। आज धूमधाम से मनाई जाएगी क्रिसमस। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां भी करते हैं। क्रिसमस के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज का बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दरअसल सांता क्लॉज क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट लेकर आता है। सांता क्लॉज को एक देवदूत की तरह माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वो बच्चों के लिए चॉकलेट, गिफ्ट, सभी चीजें स्वर्ग से लेकर आता है और वापस वहीं चला जाता है। ज्ञात हो बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। बिहार के लोगों को जल्द ही मिलेगा जाम से निजात। बिहार में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है और यह हम नहीं, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार अपने मंच से कह चुके हैं कि आप 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंच सकते हैं और अपना काम करवाकर एक दिन अपने घर जा सकते हैं। जब वो इस बात को कहते हैं तो इसके पीछे वो सड़कों के इन्हीं जाल के बारे में बताते हैं। तो आइए आज एक नजर डालते हैं बिहार में बिछने वाले सड़कों के इस जाल के बारे में। बिहार पथ निर्माण विभाग नए वित्तीय साल में 4410 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ही 100 नए बाईपास का निर्माण करवाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में 100 से अधिक बाईपास प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनेंगे। आपको ये भी बता दें कि यह बाईपास सुलभ संपर्क योजना के जरिए शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यह बाईपास कम से कम 7 मीटर चौड़ा होगा, जिससे आवागमन की सुविधा आसान होगी। शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए बना विशेष दस्ता। बिहार में शराबबंदी कानून सालों से लागू है, लेकिन इस कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ी है, इस बात का अंदाजा आप हर दिन आ रही खबरों को पढ़कर ही समझ सकते हैं। जिसे एक बात तो साफ है कि सरकार की यह योजना भले ही बेहद अच्छी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत कुछ और है। हालांकि अब बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन होने वाला है, जिसका नाम ब्रज रखा गया है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस बाबत अध्यक्षता करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग इसका किया जाए। अपने अपने जिलों में जहां भी लोगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इस दल की मदद ली जाए। बिहार में खनन से जुड़े नीलामी के मामलों की निगरानी करेंगे सेवानिवृत्त अफसर। बिहार सरकार जल्द ही खनन से जुड़े नीलामी के मामलों की निगरानी में अब सेवानिवृत्त अफसरों की मदद लेने वाली है। खान एवं भूतत्व विभाग में अफसरों की कमी और नीलामी से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इन अफसरों का काम नीलामी से जुड़े मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी जुटाना और उसे सरकार को अवगत करवाना होगा। इस बाबत इच्छुक रिटायर्ड अफसरों से 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग में नीलामी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समय पर टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ नीलामी वाद शुरू किया जाता है। जिलों में अफसर टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कानूनी दबाव बनाकर बकाया टैक्स की राशि को वसूलते हैं। कई मामलों में जब टैक्स वसूली नहीं हो पाती तो दोषी की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती तक ही कवायद होती है। एससी के खिलाफ उतरे दिव्यांग कैंडिडेट्स। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर दिव्यांग उम्मीदवारों ने आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके तहत इन उम्मीदवारों का कहना है कि साल 2014 में निकाली गई 13,120 पदों पर बहाली में 3% दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाना था, लेकिन इन दिव्यांगों का आरोप है कि इस आरक्षण को अभी तक लागू नहीं किया गया है। दिव्यांगों का कहना है कि 7 साल के जद्दोजहद के बाद भी अब तक बहाली का काम पूरा नहीं हुआ है। चयन प्रक्रिया में अभी काउंसलिंग करवाई जा रही है। दिव्यांग परीक्षार्थियों की माने तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। विज्ञापन के अनुसार इस बहाली में विकलांग कैटेगरी में 3% आरक्षण दिया गया है, लेकिन काउंसलिंग में हर रोज सिर्फ 4 से 5 विकलांग विद्यार्थी ही नजर आ रहे हैं। इससे लगता है कि विकलांग कैटेगरी में 3% आरक्षण को लागू ही नहीं किया गया।
बिहार में ठंड के बीच बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में ठंड पहले ही कहर बरपा रही थी और अब मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जता दी है। मौसम विभाग की माने तो 27 से 30 दिसंबर के बीच में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान शीतलहर भी चलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के किसानों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो धान की कटाई न करे। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाने का अनुमान है, जिससे प्रदेश की अधिकतम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे फसल को बड़ा नुकसान होने का खतरा है, इसीलिए मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग पटना ने मौसम को लेकर जारी पूर्वानुमान में किसानों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। निषेध विभाग के कंट्रोल रूम में आई शिकायतों की बाढ़। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार के साथ साथ मद्य निषेध विभाग भी लगातार काम कर रहा है। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यह है कि बिहार के मद्य निषेध विभागों को लोगों का साथ भी भरपूर मिल रहा है। यही कारण है कि जब से शराबियों पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, तब से ही शिकायतों की बाढ़ आ गई है। जिससे एक अच्छा संकेत तो ये मिल रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को पुलिस अब पकड़ रही है। साथ ही ये भी खुलासा हो रहा है कि सरकार के नाक के नीचे कितना बड़ा खेल चल रहा था। आलम कुछ यूं है कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में अब तक लगभग 7,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम के साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सार्वजनिक हुए मोबाइल नंबर पर भी लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही है। औद्योगिक विकास के लिए इस इंडस्ट्रियल एरिया का विकास जरूरी। बिहार में जब से उद्योग विभाग की जिम्मेदारी शाहनवाज हुसैन ने संभाली है, बिहार में एक के बाद एक उद्योग की स्थापना की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। शाहनवाज हुसैन भी कई बार कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य यही है कि बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करना है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार में उद्योग की आंधी लाने का रास्ता भी उन्होंने दिखाया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर सभी चाहते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो तो उसके लिए उद्यमियों को साथ मिलकर आना होगा। मिथिलांचल के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बिना बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों का संचालन और उत्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है। खरीद में सरकारी खरीद की गति भी तेज हुई। राज्य में किसानों का धान अब तैयार होने लगा है। यही कारण है कि जिलों में सरकारी खरीद की गति भी तेज हो गई है, जिसके तहत ही अब क्रय केंद्रों पर रोज 5,000 से अधिक किसान धान बेचने लगे हैं। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस बार धान की खरीदारी ज्यादा हुई है। अब तक आई जानकारी के अनुसार रोज खरीद का आंकड़ा भी लगभग 40,000 टन पहुंचने लगा है। अब तक लगभग 1,00,000 किसानों ने 7.5 लाख टन से अधिक धान बेचा है। आपको ये भी बता दें कि राज्य में धान खरीद का सही समय अब आया है, लेकिन इस बार सरकार ने नया प्रयोग कर खरीद 1 नवंबर से ही शुरू कर दिया था। उसका लाभ बहुत कम किसानों को मिला। हालांकि 18 दिसंबर तक यानी कि लगभग 1.5 महीने में मात्र 70,000 किसानों ने ही समर्थन मूल्य का लाभ लिया। उसके बाद मात्र 4 दिन में यानी कि 22 दिसंबर तक किसानों की संख्या 1,00,000 पहुंच गई। बिहार में गरीब मरीजों को मिलेगा रोजगार का अवसर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले रह रहे बुजुर्ग लोगों के बेहतर स्वास्थ्य जांच और देखभाल के लिए एम्स पटना की तरफ से श्रवण कुमार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ही अब यह योजना श्रवण कुमार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग और गरीब मरीजों को सहारा देने के साथ ग्रामीण युवाओं को रोजगार का भी अवसर उपलब्ध करवाएगी। विभाग के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि श्रवण कुमार योजना एम्स पटना की एक महत्वपूर्ण योजना है। 2 साल पहले इसके पहले बैच में 50 ग्रामीण युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बुजुर्गों से जुड़ी बीमारियों और प्राथमिक इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 120 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें तरह तरह के खून जांच, बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, डायरिया, इंजेक्शन देने, सलाइन चढ़ाने और अन्य प्राथमिक उपचारों की ट्रेनिंग दी जाती है। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा देने जाने से पहले जान ले यह नियम। बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए 26 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित होने जा रही है। हालांकि परीक्षा से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के तहत अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ अपना फोटो पहचान पत्र जरूर लाएं। इसके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो अपना सर्टिफिकेट साथ लाएं। जिन्हें नहीं लगी है वो परीक्षा तारीख से 1 सप्ताह पहले तक का आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट अपने साथ लाएं। परीक्षा केंद्र मास्क लगाकर पहुंचे, सैनिटाइजर साथ लाएं। परीक्षा केंद्र पर फोटो मास्क हटाकर खिंचवानी होगी। ओएमआर पर काले या नीले बॉल पेन से ही गोला भरे। गोला भरने के बाद मिटाने की कोशिश ना करें। कंप्यूटर द्वारा उसे गलत उत्तर की तरह प्रोसेस किया जाएगा। आंसर शीट को भरने से पहले ओएमआर आंसर शीट पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। ओएमआर पर ऐसा कोई चिन्ह ना बनाएं जिससे आपकी पहचान जाहिर हो। कोई भी पन्ना प्रश्न बुकलेट से अलग ना करें। साथ ही मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित है। रेलवे ने कैंसिल की कई रूटों की ट्रेनें।
भारतीय रेलवे ने बिहार रूट के दर्जन भर ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रोक कर चलाने का फैसला किया है। सोनपुर मंडल के कुर्सेला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत ही आज गाड़ी संख्या 15909 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस, 15484 दिल्ली जंक्शन अलीपुर द्वारा अमरनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं कई ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाया जाएगा तो कई ट्रेनों को रोक कर चलाया जाएगा, जिसमें ट्रेन संख्या 12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी और 26 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 15715 किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस पाटलिपुत्र स्टेशन के स्थान पर पटना जंक्शन पर ये रुकने वाली है। समाज सुधार यात्रा में बोले सीएम नीतीश, पियोगे तो मर जाओगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान पर है, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर समाज विकास की बात कर रहे हैं। इसी बीच अपनी यात्रा के तहत ही वो बीते दिन गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने गोपालगंज, छपरा, सिवान के विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही यहां पर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। इसके बाद शराबबंदी को लेकर महिलाओं से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि आप लोग जानते ही हैं, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, गड़बड़ी करने वाले करेंगे ही, गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पियोगे तो यही होगा, पियोगे तो मर जाओगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। बिहार के इतने विश्वविद्यालयों को सरकार को लौटाने होंगे 500 करोड़। बिहार के सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग को करीब 500 करोड़ रुपए लौटाने पड़ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये राशि विश्वविद्यालयों को पहले से विभिन्न मदों में मिले 1100 करोड़ रुपए का वो हिस्सा है, जिसे विश्वविद्यालय ना तो खर्च कर सके और ना ही उसका हिसाब दे सके हैं, क्योंकि वित्त विभाग के कड़े रुख के बाद जब शिक्षा विभाग ने वेतन पेंशन की राशि रोक दी तो विश्वविद्यालयों ने अनुपयोगी राशि का हिसाब भेजा। इसको लेकर सभी 13 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से अलग से पत्र भेजा जा रहा है और 500 करोड़ रुपए सरेंडर करने के लिए विश्वविद्यालयों के पास जनवरी महीने के पहले हफ्ते तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा विभाग इस मामले की समीक्षा करेगा। अब मिली जानकारी के अनुसार वेतन की जो भी राशि विश्वविद्यालयों को भेजी जा रही है उसकी निकासी के पूर्व अनुपयोग राशि विश्वविद्यालय सरेंडर करेंगे। कोरोना महामारी दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार में कोरोना महामारी के मामलों पर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाइयों का दौर जारी है। शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि अगली सुनवाई में राज्य के सभी जिलों के अस्पताल के संबंध में पूरा ब्यौरा बुकलेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने बताया था कि कोर्ट ने उसके पहले भी राज्यभर में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा तलब किया था। इस मामले पर 7 जनवरी 2022 को सुनवाई की जाएगी। क्रिसमस और नए साल पर बिहार में होगी सुरक्षा दुरुस्त। आज बिहार समेत अन्य जगहों पर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाना है। वहीं कुछ दिनों के बाद नए साल को लेकर जश्न मनाने की तैयारी है। हालांकि इन सबके बीच क्रिसमस और नए साल में किसी तरह का खलल ना उत्पन्न हो, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय तत्पर है। नए साल में खुशियां मना रहे लोगों की सुरक्षा और कोरोना के मद्देनजर भीड़ नियंत्रण और पेट्रोलिंग की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी की जा चुकी है। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में इंडोर या आउटडोर हो रहे कल्चर प्रोग्राम पर पूरी चौकसी बरते। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जिला बल के अलावा जिलों में रिजर्व पुलिस बल सेवा में तत्पर रहेंगे। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पटना आने का दिया गया आमंत्रण। पटना साहिब गुरुद्वारा में 7 से 9 जनवरी तक प्रकाश पर्व मनाया जाना है। इसको लेकर पटना में जोर शोर से तैयारियां जारी है। वहीं अब इस पर्व को और भी खास करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आमंत्रण भेज दिया गया है, जो कि पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से दिया गया। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित और जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गुहार ए मस्कीन ने दिल्ली स्थित गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को तलवार और सरोपा भेंट कर गुरुओं के प्रकाश पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। बिहार में इन लोगों को किसी भी हाल में नहीं मिलेगी सरकारी या फिर निजी नौकरी। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार से जो बन पड़ रहा है वो सरकार कर रही है। इसी कड़ी में अब इस कानून को और ज्यादा सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा तिकड़म लगाया है कि युवा अब तो शराब को हाय तौबा जरूर कहेंगे, क्योंकि डीजीपी एस के सिंघल ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पुलिस ने
एक बड़ा निर्णय लिया है। अगर कोई भी युवा शराब के किसी भी मामले में संलिप्त पाया जाता है तो वो किसी प्रकार की नौकरी करने लायक नहीं रह जाएगा। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति शराब की खरीद फरोख्त, शराब की तस्करी, शराब पीने या इस प्रकार के किसी मामले में संलिप्त मिलता है तो उस व्यक्ति को पुलिस की तरफ से चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। अंतरिक्ष की सैर नहीं कर पाएंगे दर्शक। क्रिसमस या नए साल पर दर्शक राज्य के इकलौते तारामंडल का दर्शन नहीं कर सकेंगे। तारामंडल आम दर्शकों के लिए अब बंद कर दिया गया है। हालांकि अब ये कब खुलेगा इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, न ही इस पर तारामंडल प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर की तरफ से तारामंडल थिएटर के बाहरी हिस्से में वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है। इसके कारण दर्शकों के लिए शो का संचालन बंद कर दिया गया है। ये काम जनवरी तक पूरा होगा। तारामंडल को पूरी तरह डिजिटल करने का लक्ष्य 1.5 साल का रखा गया है। उसके लिए वर्क ऑर्डर निकालने को भी कहा गया है। नए साल में पटना वासियों को मिलेगी कई सौगात। नए साल के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। हालांकि नया साल कोरोना के लिहाज से कैसा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यकीनन पटना वासियों को नए सौगात नए साल में मिलने वाले हैं। अदालतगंज तालाब के पश्चिम में एक नया घाट बनाया जाएगा। छठ पूजा के लिए अदालतगंज तालाब एक विकल्प के रूप में भी पटना वासियों को मिलेगा। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के मकसद से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 10 स्थानों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही आईपीटी स्टैंड पर स्टेनलेस स्टील के डस्टबिन, सार्वजनिक बस के आवागमन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेष डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन के लिए एलईडी स्क्रीन आदि लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने उतरेगी जदयू। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि चुनाव यूपी में है, लेकिन इसकी सरगर्मी बिहार में भी तेज है। यही कारण है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने दी है। जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जदयू पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि दिल्ली में पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार हुआ है और दिल्ली नगर निगम के चुनाव के साथ साथ पार्टी वहां विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी, जिसमें अच्छे परिणाम आने की संभावना है। बिहार में जारी है विशेष राज्य की सियासत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात पर बिहार की राजनीति दो गुट में बढ़ चुकी है। एक तरफ आधी सत्ता पक्ष और विपक्ष, वहीं दूसरी तरफ भाजपा खड़ी है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर मत अलग है। वहीं इस मुद्दे को लेकर के हर दिन कोई न कोई बयानबाजी भी हो रही है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही तेजस्वी के व्यंग पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं होगा, बिहार में नीतीश कुमार के काल में डबल डिजिट ग्रोथ रहा है और उनके शासन में ग्रोथ नेगेटिव था। जब डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ रहे तो विशेष मदद की जरूरत है और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। फिल्म 83 के रिलीज होते ही बैन करने की उठी मांग। कपिल देव की जिंदगी पर आधारित फिल्म 83 बीते दिन सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। हालांकि फिल्म का रिव्यू तो उम्दा देखने को मिला, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के साथ ही ट्विटर पर इसे बैन करने की मांग भी उठने लगी, जिसके तहत ही बीते दिन फिल्म के रिलीज होते ही #boycott83 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग एक नहीं बल्कि कई जगहों से हो रही है। इस फिल्म को फ्लॉप बनाने की बातें करने वाले रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कबीर खान के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण के जेएनयू के छात्रों के समर्थन में पहुंचने के बाद से उनके प्रति लोगों की नाराजगी अक्सर नजर आती रही है। यही कारण है कि लोग ये कहते हुए दीपिका द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को नहीं देखने की अपील कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया यादव, उमाशंकर गुप्ता, मनीष मोहरा, गौतम कुमार, काजल कुमारी, कुमार आशीष, सुमित पांडे, पंकज कुमार, मोहम्मद जिलानी, संजीत कुमार, कृष्णा कुमार, रोहित कुमार, मंजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी को लेकर लागू किए जा रहे सख्ती से कोई असर पड़ेगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।